हमीरपुर के बीचों बीच गुजरने वाले NH-103 को 5 करोड़ की लागत से हो रहे मरम्मत कार्य धीमी गति से चले होने के कारण लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। बस अड्डा के पास टूटे फुटपाथ में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं पिछले 2 दिन पहले निजी बस फुटपाथ में फंस गई थी, तो हर दिन कोई न कोई गड्ढे में गिर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित विभाग तो आंखें मूंदे बैठा ही है, तो वहीं जिला प्रशासन भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हमीरपुर के बीचों बीच गुजरने वाले NH-103 की 5 करोड़ की लागत से हो रहे मरम्मत कार्य धीमी गति से चले होने के कारण लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। बस अड्डा के पास टूटे फुटपाथ में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं पिछले 2 दिन पहले निजी बस फुटपाथ में फंस गई थी, तो हर दिन कोई ना कोई गड्ढे में गिर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित विभाग तो आंखें मूंदे बैठा है, तो वहीं जिला प्रशासन भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करके दो सड़का से लेकर पक्का भरो तक सड़क को चकाचक करने के साथ साथ फुटपाथ बनाने का प्रपोजल के तहत 1.5 महीने से सड़क कार्य चल रहा है, लेकिन कछुआ चाल से कार्य होने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और घंटों जाम में लोग फंस रहे हैं। वही इस काम के चलते कई जगहों से फुटपाथ बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा टूटे हुए फुटपाथों की मरम्मत की तो बात दूर की है, पर बचाव के लिए बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों की सड़क किनारे बने हुए फुटपाथ के टूटने से हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कई वाहन चालक भी फुटपाथ में फंस रहे हैं। सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना पूरी टाइलें टूट गई है। पीछे परसों बस भी फंस गई थी। प्रशासन को जल्दी से जल्दी फुटपाथ का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ तक कि प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी भी गड्ढे में इन जो टाइलें टूटी हुई हैं इनमें गिर रहे हैं और हर वक्त एक्सीडेंट का खतरा रहता है, दुर्घटना होने का खतरा रहता है। हार्डली 7-8 साल हो गए हैं और सबसे पहली बात यह है कि जब से बने तब से प्रॉपर बना नहीं है, क्योंकि जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि नदौन चौक से नीचे हथली पुल तक बनेगा, जो कि ये वो हुआ नहीं पूरा। और ऐसा है कि जब से बना जब इसकी एक बार भी फ्लैशिंग हुई नहीं है और आए दिन यह मच्छर स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो पब्लिक को चलने के लिए जो फुटपाथ जिस मकसद से बनाया गया था उसका कोई यूज नहीं है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती रहती है, तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसका रखरखाव जो प्रॉपर किया जाए। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।